नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि हम लोग मौलिक अधिकार के टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। मौलिक अधिकार की एक सीरीज चल रही है और इसके अंतर्गत हम लोगों ने पूर्व में स्वतंत्रता के अधिकार यानी कि अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 के बीच जो भी संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं उस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम उसी से आगे बढ़ते हुए अनुच्छेद 23 से 28 यानी कि जो भी मानव के गरिमा को स्थापित करने के लिए जो भी शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किए गए हैं और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, इन दोनों ही टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके इस पर देखते हैं। तो इसके अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार और दूसरा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये दोनों टॉपिक हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में उल्लिखित है। तो आर्टिकल 23 के संदर्भ में यह प्रावधान किया गया है कि मानव का दुर्व्यापार, बेगार और इसी तरीके से लिए गए अन्य बलात्कार को निषिद्ध घोषित किया जाता है। इसमें कुछ शब्द हैं जिसका यहां पर वर्णन करना आवश्यक है। दुर्व्यापार, बेगार और ब्लाक श्रम, ये तीन शब्द या शब्दावली हैं जो व्यक्ति की गरिमा को स्थापित करने के लिए, व्यक्ति के मानवीय मूल्यों को स्थापित करने के लिए संविधान के इस भाग में उल्लिखित मौलिक अधिकारों के भाव को व्यक्त करते हैं। दुर्व्यापार, बेगार और ब्लाक श्रम। दुर्व्यापार का तात्पर्य है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जिसको कहा जाता है कि व्यक्ति का खरीद फरोख्त करना, गलत तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, उनका शारीरिक और मानसिक शोषण करना, यह है दुर्व्यापार कहलाता है। इसी तरीके से बेगार का तात्पर्य बिना किसी पारिश्रमिक से व्यक्ति से कार्य करवाना, बिना किसी पारिश्रमिक दिए हुए, बिना किसी मूल्य को चुकाए हुए किसी व्यक्ति से यदि कार्य लिया जाता है या कार्य कराया जाता है तो वह बेगार कहलाता है। तो इस तरीके से किसी भी व्यक्ति से बिना पारिश्रमिक के लिया गया कार्य बेगार आता है और यह बेगार भी अनुच्छेद 23 के साथ साथ पूरे मौलिक अधिकार के नियम का उल्लंघन करता है यदि कोई व्यक्ति इस तरीके का कार्य किसी अन्य व्यक्ति से करवाता है। ब्लाक श्रम का तात्पर्य जबरदस्ती या व्यक्ति की इच्छा के अनुसार किसी कार्य में नियोजित करना, किसी कार्य में संलिप्त करवाना और उसकी इच्छा के बगैर वहां पे कार्य करवाना, ये ब्लाक श्रम की कैटेगरी में आता है। अनुच्छेद 23 इस बात की व्याख्या करता है कि दुर्व्यापार, बेगार और इसी तरीके से किसी व्यक्ति से लिया गया ब्लाक श्रम निषिद्ध घोषित किया जाता है। तो इस तरीके से अनुच्छेद 23 के अंतर्गत इस बात की व्याख्या की गई है कि दुर्व्यापार, बेगार और ब्लाक श्रम ये तीनों ही इस नियम का उल्लंघन करते हैं और राज्य इसके विरुद्ध और व्यवहार में संसद इसके विरुद्ध कानून बनाएगा और इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को जो है दंडित किया जाएगा। समय समय पर इस अनुच्छेद के भाव को व्यक्त करने के लिए, लोगों के शोषण को बचाए रखने के लिए संसद के द्वारा कानून बनाए जाते रहे हैं। तो हम उन कानूनों को भी देखेंगे कि वह कौन कौन से कानून हैं जो बनाए गए हैं जो इस अनुच्छेद के भाव को व्यक्त करते हैं या इसका उल्लंघन करने पर दंड की व्यवस्था करते हैं। और इन सभी अधिनियमों का अध्ययन कीजिए। प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा और निबंध जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक में अगर आप इन सभी का उल्लेख करते हैं तो वहां पर आपका उत्तर प्रभावी होगा। इसके संदर्भ में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, इसी तरीके से अनैतिक दुर्व्यवहार
निवारण, अनैतिक दुर्व्यवहार निवारण अधिनियम 1956। इसी तरीके से ठेका श्रमिक अधिनियम 1970। यहां पर यह ध्यान में रखना है कि ये 1975 से लागू किया गया। ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है और अधिनियम चूंकि 76 होता है इसलिए लोग उसको लागू होने की तिथि भी 1976 ही मान लेते हैं, जो कि उत्तर गलत होता है। आपका अंतर करना जरूरी है ताकि परीक्षा में इससे संबंधित सवाल जो पूछे जाते रहे हैं, कई बार पूछे गए हैं, वो गलत ना होने पाए। तो इस तरीके से समान पारिश्रमिक अधिनियम भी इसमें पारित किया गया है। समान पारिश्रमिक, समान पारिश्रमिक अधिनियम ये 1976 ईस्वी में। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम, ठेका श्रमिक अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, ये कुछ अधिनियम हैं जो इस अनुच्छेद की भावना को व्यक्त करते हैं तथा उल्लंघन करने की स्थिति में किसी भी व्यक्ति या संगठन से निपटने के लिए पर्याप्त कानून का व्यवहारिक स्तर पर व्यवस्था और प्रावधान करते हैं, ताकि कार्यपालिका या प्रशासन इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उसे दंड दे सके। तो इस तरीके से अनुच्छेद 13 के माध्यम से दुर्व्यापार, बेगार, यौन प्रात श्रम इत्यादि का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 में, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बालकों के लिए प्रावधान किया गया है और इसमें 14 वर्ष के आयु की एक डेडलाइन निर्धारित की गई है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को या बच्चों को किसी कारखाने में, किसी खान में या किसी परिसंकटजनक स्थिति में, परिसंकटजनक स्थिति में नियोजित नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब कारखाने से है, किसी फैक्ट्री से, किसी मिल्स में इत्यादि में उनको नियोजित नहीं किया जाएगा, कार्य पर नहीं रखा जाएगा। खान का मतलब जहां पर किसी भी प्रकार के खुदाई का कार्य किया जाता है, वहां से कोयला या लौह अयस्क इत्यादि निकाले जाते हैं, तो वो खान का स्थान होता है, वहां भी खतरनाक स्थिति होती है और बच्चों को वहां नियोजित नहीं किया जा सकता है। इसी तरीके से परिसंकटजन्य स्थिति का तात्पर्य है एक ऐसी स्थिति जहां पर बच्चों के स्वास्थ्य, यौन, उनके शारीरिक मानसिक विकास के लिए अनुकूल दशाएं नहीं होती हैं या उनके जान को कहीं खतरा हो सकता है, तो इस तरीके के स्थानों पर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोका गया है और उन्हें नियोजित करने की बात नहीं कही गई है। क्योंकि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो प्रावधान बच्चों के लिए किया गया है वो संवेदनशील है, ऐसी स्थिति में संसद के द्वारा इसके संदर्भ में कानून भी बनाए जाते रहे हैं। तो इसमें 1986 ईस्वी में इनके लिए बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम पारित किया गया है। प्रतिषेध अधिनियम, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम पारित किया गया है और इसके अंतर्गत 2 वर्ष, इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि यदि इस नियम का उल्लंघन किया जाता है तो वो 2 वर्ष तक व्यक्ति को सजा भी दिया जा सकता है, ये इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है। इसी तरीके से 1996 ईस्वी में ऐसे बच्चे जो किसी भी तरीके के ऐसे जगहों पर, ऐसे स्थानों में नियोजित पाए जाते हैं, उनके कल्याण के लिए एक पुनर्वास कल्याण कोष की भी स्थापना का प्रावधान किया गया है, यानी कि 1996 ईस्वी में बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना किया गया है। और 2005 ईस्वी में इनके लिए एक आयोग के गठन करने हेतु 2005 ईस्वी में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम पारित किया गया है और यह अधिनियम राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग तथा राज्य स्तर पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना को मंजूरी देता है, जिसके माध्यम से बालकों के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की स्थितियों का
अध्ययन किया जा सके और उसके आधार पर उनकी बेहतरी के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत किया जा सके, जिसका अध्ययन करने के बाद शासन के माध्यम से उनके कल्याण के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा सके और समय समय पर संसद के द्वारा कानून बनाया जा सके। इसी तरीके से 2016 में न्यायालय के माध्यम से बाल श्रम की स्थिति का अध्ययन करने के दौरान, उस पर निर्णय देने के दौरान ये कहा गया कि जो अभी तक 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए संकटमय स्थिति में बात कही गई थी, वो अब यहाँ पर किसी भी प्रकार के स्थान पर, जो अभी तक ये कहा गया था कि उन्हें संकटजन्य या संकटमय स्थान पर नियोजित नहीं किया जा सकता, अब ये कह दिया गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी स्थान पर, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी प्रकार के कार्य में नियोजित नहीं किया जाएगा। और यह जो व्याख्या थी वो बेसिकली 86 में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के उस भावना के भी अनुरूप है, जहां पर 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया और 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना उनका मौलिक अधिकार घोषित किया गया, तो यह इसके भी अनुरूप था। तो कुल मिलाकर यह व्यवस्था 1986, 96, 2005 और 2016 यह किसी न किसी रूप में बच्चों की सुकोमल स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उनके शारीरिक और मानसिक विकास को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए तथा उन्हें विभिन्न प्रकार के शोषण से बचाने का प्रयास किया गया। तो इस तरीके से अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 के माध्यम से शोषण के विरुद्ध अधिकार और व्यवस्थाएं की गई हैं। अब हम आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 25 से लेकर 28 के बीच में व्याख्यायित किया गया है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत यह बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म के अंतःकरण, उसको मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। मतलब इसमें 4 प्रकार की स्थिति दिखाई गई है, अंतःकरण, धर्म के अंतःकरण, मानने, आचरण करने और प्रचार, ये 4 प्रकार की व्यवस्थाएं दी गई हैं कि कोई भी व्यक्ति धर्म के संदर्भ में आचरण कर अपना सकता है, उसके अनुसार आचरण कर सकता है, पहनावा कर सकता है, कोई रीति रिवाज है उसका अनुपालन कर सकता है तथा प्रचार कर सकता है। इसके संदर्भ में एक चीज ये जानना आवश्यक है कि प्रचार करने का तात्पर्य अपने धर्म की बातों को बढ़ाना है या लोगों को बताना है, परंतु किसी भी तरीके के नकारात्मक माध्यम को नहीं अपनाना है, जिससे अन्य व्यक्ति और अन्य धर्म के लोगों की भावनाएं आहत और चोटिल हों। तो यहां पर यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि जबरन धर्म परिवर्तन इस अनुच्छेद की भावना का उल्लंघन करता है और इस पर रोकने के लिए शासन प्रशासन के द्वारा कोई भी कदम उठाया जा सकता है, अतः जबरन धर्म परिवर्तन इसकी श्रेणी में नहीं आता है। तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत व्यक्ति को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वो अपनी इच्छानुसार जिसमें उसकी संतुष्टि हो वो धर्म अपना सकता है, राज्य इस मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसी तरीके से अनुच्छेद 26 के अंतर्गत, जहां पर 25 व्यक्तियों के लिए बात कहता है, वहीं पर 26 जो है धार्मिक संस्था के बारे में प्रावधान करता है। धार्मिक संस्था के बारे में प्रावधान करता है कि व्यक्ति के द्वारा कोई भी धार्मिक संस्था की स्थापना किया जा सकता है और इसका प्रबंधन किया जा सकता है। इसके लिए धार्मिक कार्यों के लिए संपत्ति का, धार्मिक कार्यों के लिए संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार है कि वो चल और अचल संपत्तियों का भी जो है चल और अचल संपत्ति प्राप्त कर सकता है और इस संपत्ति का नियमों के अनुसार उपयोग कर सकता है, खर्च कर सकता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहां पर अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक संस्थाओं या धार्मिक संगठनों की स्थापना, उसको प्रबंध करना, संपत्ति
प्राप्त करना और नियमानुसार उसका उपयोग करने का अधिकार देता है। और यह संस्थाओं के संदर्भ में है। सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक संस्था के लिए एक परिभाषा ये निर्धारित किया हुआ है कि धार्मिक संस्था उसे कहा जा सकता है जिसका एक निश्चित नाम होगा, वहां पर संगठन होगा और वहां पर व्यक्ति होंगे, क्योंकि बिना व्यक्ति के कोई भी संगठन कार्य नहीं कर सकता, व्यवहार में उसका कोई क्रियान्वयन नहीं हो सकता, उसका कोई प्रभाव नहीं हो सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसे व्याख्यायित और परिभाषित किया गया है धार्मिक संस्था के संदर्भ में। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 27 के बारे में, जहां पर धार्मिक कार्यों के संदर्भ में कर की बात कही गई है। इसमें ये कहा गया है कि किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए लगाए जाने वाले कर के संदर्भ में किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है, अर्थात वह व्यक्ति उस कर को देने के लिए स्वतंत्र होगा। अगर किसी भी प्रकार के कर की बात कही जाती है और तो वह व्यक्ति उस प्रकार के कर को देने के लिए किसी भी तरीके का बाध्य नहीं होगा। इसके अंतर्गत ये भी स्पष्ट रूप से संदेश देने का प्रयास किया गया है कि राज्य को भी इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, राज्य को स्वयं जो है किसी भी धर्म की वृद्धि के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, अपने राजकोष या विभिन्न प्रकार के करों से प्राप्त आय को धर्म के मामलों में नहीं खर्च करना चाहिए, बल्कि उसे व्यक्ति के कल्याण, राज्य और देश के निर्माण और विकास पर खर्च करना चाहिए। तो इस तरीके से अनुच्छेद 17 में करों के बारे में प्रावधान किया गया है। इसी तरीके से अनुच्छेद 28 जो कि इस खंड का अंतिम प्रावधान है, धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत अंतिम अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान है कि राज्य के निधि से पूर्णतया पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। यहां पर राज्य निधि से पूर्णतया पोषित का तात्पर्य गवर्नमेंट स्कूलों से है, वहां पर किसी भी प्रकार से कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। अगर यूपी के संदर्भ में हम उदाहरण लें तो विभिन्न प्रकार के जीआईसी और जीजीआईसी कॉलेजेस चल रहे हैं, जो न केवल प्रशासनिक बल्कि वहां पर निधि भी पूर्णतया राजकोष से प्राप्त होता है, तो ऐसे कॉलेजों में कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन इसी में अगले खंड को बढ़ाते हुए कहा गया है कि यह नियम ट्रस्ट के द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होगा, भले ही उसका प्रशासन राज्य के हाथ में होता है। अब इसे अगर उदाहरण के रूप में देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के ट्रस्ट के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के धार्मिक संप्रदायों के द्वारा बाइलाज बनाए जाते हैं, उनके द्वारा जो भी स्कूल स्थापित होते हैं वो स्कूल भले ही प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं, लेकिन वहां पर इस तरीके की छूट दी जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर हम इलाहाबाद में देखें तो केपी ट्रस्ट इसी तरीके की संस्था बनाएगी, जिसके माध्यम से वहां पर इस तरीके की छूट प्रदान किया गया। इसी तरीके से अगर हम फैजाबाद में देखें तो करौसा कॉन्वेंट कॉलेज है, मेथोडिस्ट कॉलेज है और फॉक्स कॉलेज है, ये सब कॉलेजेस हैं जो कि किसी विभिन्न प्रकार के बाइलाज ट्रस्ट के अंतर्गत बनाए जाते हैं, तो वहां पे इस तरीके की छूट हो सकती है। इसमें कहा गया है कि अगर चूंकि दूसरा जो खंड है उसमें ये कहा गया है कि उनको छूट प्रदान किया जाता है, तो इसी से एक प्रश्न ये निकल के आता है कि अगर किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, चूंकि पहले में तो पूरी तरीके से रोक दिया गया कि किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन जो ट्रस्ट इत्यादि के कॉलेज होंगे वहां पे इस तरीके की छूट दी गई, तो उसके संदर्भ में यह कहा गया है कि अगर कहीं पे कोई शिक्षण धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो उसमें किसी भी व्यक्ति को उसमें शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, जब तक कि वह ऐसा सहमति न दे दे। और जो वयस्क नहीं होंगे, जो अवयस्क लोग होंगे, उनके संदर्भ में उनके माता पिता या संरक्षकों की सहमति की आवश्यकता होगी। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत इस तरीके का प्रावधान किया गया है जो बेसिकली व्यक्ति को अंतःकरण के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तिगत मामले के रूप में धर्म को अपनाने के लिए पूरी तरीके से छूट देता है, राज्य को इसमें किसी भी तरीके के हस्तक्षेप से इनकार करता है। इसीलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य का भी दर्जा दिया जाता है, क्योंकि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है जिसको मानने के लिए कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से आज के इस लेक्चर में शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, इन दोनों ही प्रकार के अधिकारों के संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा किया। यहाँ पर इसको व्याख्यायित करने के संदर्भ में, अध्ययन करने के दौरान कुछ चीजें निकल करके सामने आई हैं
जैसे सिखों के लिए यह प्रावधान किया गया है कि सिखों के लिए विशेष प्रकार की स्थिति दी गई कि प्राण लेकर के चलना इनके धार्मिक मान्यताओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है और इसे किसी भी तरीके की हिंसक गतिविधियों के लिए नहीं माना जाएगा। इसे इनके धार्मिक स्वतंत्रता के एक भाग के रूप में देखा जाता है। तो यह अनुच्छेद 25 के अंतर्गत इस तरीके की बात कही गई है। और यह भी कहा गया है कि कोई भी ऐसा संस्थान है हिंदुओं के लिए अगर बनाया गया है तो वहां पर हिंदुओं के विभिन्न प्रकार के संप्रदायों में किसी भी व्यक्ति को वहां जाने से नहीं रोका जा सकता है। तो यहाँ पे यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि हिंदुओं की क्या परिभाषा। तो इसमें हिंदुओं के लिए सिख के साथ में बौद्ध और जैन को भी शामिल किया गया है। ये लोग हिंदू के अंतर्गत आते हैं और किसी भी हिंदुओं के सार्वजनिक स्थल या संस्था में इन लोगों को जाने से नहीं रोका जा सकता है। ये अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ये दोनों ही बातें शामिल हैं। और इसी तरीके से अनुच्छेद 26 के अंतर्गत 27 में अनुच्छेद 27 के अंतर्गत धार्मिक अभिवृद्धि के लिए करों की बात की गई है। तो यहां पर धार्मिक कर और धार्मिक शुल्क, इन दोनों में अंतर है। धार्मिक शुल्क के देने से किसी भी व्यक्ति को कोई धार्मिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं, लेकिन कर एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें व्यक्ति को कोई भी वापसी नहीं होती है, कोई सुविधा उसको उसके बदले नहीं दिया जाता है। इसीलिए यहां पर धार्मिक करों को नहीं कहा गया है। धार्मिक करों के संदर्भ में किसी भी प्रकार की बाध्यता व्यक्ति के लिए निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन धार्मिक शुल्क के संदर्भ में यहाँ पे नहीं बताया गया है, क्योंकि धार्मिक शुल्क एक ऐसी चीज होती है जिसके बदले में किसी जगह पर जाने पर वहां से उसको कुछ प्राप्तियां हो सकती हैं। ऐसे में यहाँ पर धार्मिक शुल्क के बजाय धार्मिक कर को रोकने की बात कही गई, धार्मिक शुल्क के संदर्भ में नहीं कहा गया है। तो आज के इस लेक्चर में आप लोगों ने शोषण के विरुद्ध अधिकार के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के संसद के द्वारा बनाए गए कानून और इसी तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता के संदर्भ में जो भी प्रावधान किए गए हैं उसका हम लोगों ने अध्ययन किया। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप इस टॉपिक के साथ साथ अपनी पूरी और तैयारी को एक सही दिशा में ले जाने का प्रयास कीजिए। और अगले लेक्चर में हम मौलिक अधिकार की इस सीरीज के अगले और अंतिम भाग को लेकर के आएंगे। तब तक आप अपनी तैयारी को बेहतर दिशा में ले जाते रहिए और पुनः हम जल्द आप लोगों से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।